पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह इन दिनों कहां है? दिल्ली से पटना लौटे आरसीपी सिंह इन दिनों अपने गांव में ज्यादा वक्त दे रहे हैं। मुस्तफापुर उनका गांव है जो नालंदा जिले के अंदर आता है। और आरसीपी सिंह जो पहले पटना में ज्यादा वक्त बिताते थे और बाद में जब केंद्र में मंत्री बने तो दिल्ली में ठिकाना बन गया, और दिल्ली में जब मंत्री पद उनकी गई तो वापस पटना लौटे और पटना के रास्ते अपने गांव पहुंच गए। आरसीपी सिंह ऐसा नहीं है कि पहले मुस्तफापुर में नहीं रहा करते थे, पहले भी वो अपने गांव में वक्त दिया करते थे, लेकिन उनकी सक्रियता, राजनीतिक सक्रियता जो है वो पटना से लेकर दिल्ली तक और बिहार के अलग अलग जिलों में दिखती थी, नजर आती थी। लेकिन आरसीपी सिंह इन दिनों उस तरह सक्रिय नहीं दिखते हैं। पिछले दिनों अगर जमुई का उनका दौरा छोड़ दें, जो जिस दौरे पर वो गए स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के परिवार वालों से मिलने और मंत्री सुमित सिंह से मुलाकात उन्होंने की, इसके अलावा उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा नहीं दिखी है। तो क्या आरसीपी सिंह ने यह मान लिया है कि जेडीयू में उनकी पारी खत्म हो गई है, या जेडीयू उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के आज ऐसी परिस्थिति में है कि कोई बड़ा फैसला कर सकती है? दरअसल इस खबर में हम आपको यही बताने बैठे हैं। आरसीपी सिंह जो राजनीतिक तौर पे जनता दल यूनाइटेड में हाशिए पर लगा दिए गए, उनकी उनके भविष्य को लेकर किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल आरसीपी सिंह आज नीतीश कुमार के विश्वास पात्र नेताओं में शामिल नहीं है। पार्टी के अलग नेता कई बार यह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की कृपा से ही आरसीपी सिंह बने। नीतीश कुमार ने चाहा तो आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, नीतीश कुमार ने चाहा तो आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए, नीतीश कुमार ने नहीं चाहा तो आरसीपी सिंह राज्यसभा भी नहीं जा पाए। आज ना विधानसभा के सदस्य हैं, ना विधायक हैं, ना एमएलसी हैं और ना ही सांसद हैं। पार्टी में उनकी भूमिका केवल एक कार्यकर्ता और सामान्य नेता की भूमिका रही है, और उनकी भूमिका को लेकर जब सवाल होते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जेडीयू के नेता, वो कहते हैं कि ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तय करेंगे, और ललन सिंह ने क्या तय करके रखा है आरसीपी सिंह के लिए बताने की जरूरत नहीं है। वो दिखा है पिछले कुछ महीनों के अंदर, जब से कम आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद से हटे, उसके बाद कैसे आरसीपी सिंह के एक एक करके करीबियों को ठिकाना लगाया गया जेडीयू में, ये बात किसी से छिपी नहीं है। आरसीपी सिंह जिनको अपना विश्वास पात्र मानते थे, उन तमाम नेताओं ने एक एक करके पाला बदल लिया, जिन्होंने पाला नहीं बदला वो किनारे लगा दिए गए। तो अब जिस होम्योपैथिक इलाज की चर्चा जेडीयू के अंदर होती है, ललन सिंह के जिस पॉलिटिकल ट्रीटमेंट की चर्चा होती है, उसके अगले पड़ाव में क्या है? अगले पड़ाव में क्या आरसीपी सिंह को इसी तरह किनारे लगा के छोड़ दिया जाएगा? हमारे पास जो जानकारी है या हमारा अपना जो अंदाजा है राजनीति को लेकर के, वो ये है कि आरसीपी सिंह को अब जनता दल यूनाइटेड में शायद बहुत लंबे वक्त तक ना रखा जाए। मतलब आरसीपी सिंह को आज जिस तरह से उनके सारे पॉलिटिकल कनेक्शन, उनके सारे पॉलिटिकल विंग्स को एक सीमित कर दिया गया है, उसमें अब उनके पास विकल्प ये बचता है कि या तो आरसीपी सिंह खुद छोड़ दें जेडीयू, जो वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं, और या तो पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखा दे। तो क्या जेडीयू के विधायकों के साथ आज ललन सिंह जो बैठक कर रहे हैं, उस बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है? ललन सिंह इस बैठक में ये चर्चा करने जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया जाए, आरसीपी सिंह की भूमिका पार्टी में ना रहे, या ललन सिंह इन विधायकों के साथ बैठकर ये चर्चा कर समझना चाहते हैं या अंदाजा लगाना चाहते हैं कि दरअसल आरसीपी सिंह विधायकों के बीच में कितने लोकप्रिय हैं, कितने मजबूत हैं, अगर वो किनारे लगाए जाते हैं तो कितने विधायक उनके साथ आ सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आपको सीधा नहीं मिल सकता है, वक्त के साथ मिलेगा, इंतजार करना होगा। लेकिन आज जेडीयू के विधायकों के साथ जो बैठक हो रही है, उसमें संगठन और तमाम मसलों पर चर्चा अपनी जगह है। आरसीपी सिंह को लेकर के भी कहीं ना कहीं ललन सिंह के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, और ललन सिंह फिलहाल जो आरसीपी सिंह को लेकर रणनीति बना रहे हैं या चल रहे हैं, जो जो चीजें कर रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार की सहमति है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि खुद जेडीयू के नेता ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की कृपा जब तक बरसेगी तब तक कोई फल फूल सकता है जेडीयू में, जब कृपा खत्म हो गई तो आपकी राजनीति जेडीयू में खत्म हो गई। तो आरसीपी सिंह की राजनीति जेडीयू में अब खत्म होने के कगार पे है। हो सकता है किसी भी दिन ऐलान हो जाए, किसी भी वक्त ऐलान हो जाए कि आरसीपी सिंह साहब को बाहर कर दिया गया है जनता दल यूनाइटेड से। हालांकि उन्होंने
अभी तक चुप्पी बनाए रखी है, उन्होंने कभी भी नेतृत्व के खिलाफ कुछ नहीं बोला। एक बयान उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था वो सेल्फ मेड लीडर है, अपने बूते बने, और ये बात बहाना बन गया था जेडीयू के नेतृत्व के साथ खड़े लोगों के लिए, और उस पर हमला भी बोला गया। एक प्रदेश प्रवक्ता से आपका बयान दिलवाया गया, आरसीपी सिंह को जलील करवाया गया, और उसके बाद मंत्री से लेकर दूसरे तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आई। तो आरसीपी सिंह ने एक बार नीतीश कुमार की मुखालफत कभी नहीं की, नेतृत्व के खिलाफ कभी नहीं बोला, लेकिन आरसीपी सिंह ने अपने बारे में जो खुद के बड़े नेता या खुद के बनने को लेकर के जो सेल्फ मेड वाली बात कही, उस बात पे ही उनकी घेरेबंदी हो गई। तो आरसीपी सिंह इस बात को समझते हैं कि जेडीयू नेतृत्व जो है इस वक्त वो मौके की तलाश में है, तो कोई मौका देना नहीं चाहते हैं आरसीपी सिंह। लेकिन अगर मौका ना भी दिया जाए, और आरसीपी सिंह को लेकर के नीतीश कुमार ने तय कर लिया, ललन सिंह ने तय कर लिया, साथ में उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं, उन्होंने तय कर लिया कि अब तो किनारे लगा ही दीजिए इनको, तो आरसीपी बाबू क्या करेंगे? मजबूरी है, कुछ कर नहीं पाएंगे, पार्टी से बाहर उनको जाना होगा। फैसला कब होगा हम बताएंगे, सबसे पहले जानकारी आगे क्या निकल करके आती है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। फर्स्ट बिहार पर आपको खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। नमस्कार।